83 साल की उम्र में शरद पवार धुआंधार प्रचार में बिजी हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जीत की रणनीति बना रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, महाविकास अघाड़ी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच शरद पवार ने अब जो नया संकेत दिया है वो महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी को बढ़ाने वाला है। शरद पवार ने बारामती की एक सभा में राजनीति से संन्यास का संकेत दे दिया। अब किसी निर्दुका करे थे अच्छा भले सौदा निर्दुका केले आणि तुम्ही असले लोकात एकदा गजी फासवले नाही दरवेळी निवडून देत आहे। यानी शरद पवार पार्टी के अंदर नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर शरद पवार राजनीति से दूर होते हैं तो क्या सुप्रिया सुले एनसीपी शरद गुट की अध्यक्ष बनेंगी या फिर कोई और? इस सवाल के बीच बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। वो बड़े नेता है, उनका दल है, उन्होंने वो दल बनाया है, उनको निर्णय करने का अधिकार है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर बैटन दूसरे को देना है तो अजीत दादा को देते तो अच्छा रहता। एक तथ्य ये भी है कि 2 मई 2023 को शरद पवार ने अविभाजित एनसीपी का पद छोड़ दिया था, फिर 5 मई 2023 को अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। ऐसे में शरद पवार वाकई राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, सवाल बड़ा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.